काफी टाइम से मैं प्रत्येक वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक ही मैसेज देख रहा हूं, वो है इंडिया पोस्ट जीडीएस की कट ऑफ को लेकर। बार बार हर वीडियो में बच्चे अपनी 10वीं क्लास की परसेंटेज बता रहे हैं, अपने मार्क्स बता रहे हैं, ग्रेड पॉइंट, और वो कह रहे हैं सर जीडीएस शेड्यूल सेकंड 30,041 की जो फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी होगी उसका कट ऑफ क्या जाएगा। वो अपनी सर्किल भी बता रहे हैं कि सर हमने इस सर्किल से फॉर्म फिलअप किया है, क्या यहां से हमारा चौथी लिस्ट में जीडीएस में चयन हो सकता है। तो आज मैंने उन सभी बच्चे का मैसेज देखते हुए सबका निचोड़, सबका रिप्लाई दिया है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, जीडीएस कट ऑफ फोर्थ मेरिट लिस्ट शेड्यूल सेकंड। अभिषेक क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल ओनली आपके ही प्रश्न का जवाब देता है और हर प्रत्येक वीडियो में अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाता है, अच्छी जानकारियां देता है और जो फेक न्यूज आती है उसका पर्दाफाश करता है। बने रहना लास्ट तक। इंडिया पोस्ट जीडीएस 2023 चौथी मेरिट लिस्ट शेड्यूल सेकंड 30,041 पोस्ट, संभावित सर्किल वाइज कट ऑफ आपको बता रहा हूं। ध्यान देना, आपने जिस भी सर्किल से फॉर्म अप्लाई किया है, आंध्र प्रदेश 85 से 90% 10वीं में परसेंटेज, असम 75 से 80, बिहार 95 से 100%, क्योंकि बिहार में बहुत खतरनाक कट ऑफ जा रहा है। बिहार में कट ऑफ ज्यादा जाने का कारण है दूसरे राज्य से अभ्यर्थी बिहार में जाकर फॉर्म डाल रहा है और उसकी कोरोना काल में 10वीं पास हुई और 10वीं में उसकी 100% स्कूल वालों ने बना रखी है। तो वो जब यहां बिहार में जाकर फॉर्म फिलिप करता है जीडीएस का, तो चयन उसका ही होगा। जो बिहार के अभ्यर्थी है 60, 70, 80% वाले, उसकी सीट छीन रहा है 100% वाला विद्यार्थी, इसलिए कट ऑफ ज्यादा जा रहा है। छत्तीसगढ़ 81 से 85 के बीच है तो संभावना है, दिल्ली 95 से 100, गुजरात 75 से 80, हरियाणा 95 से 100%, हिमाचल प्रदेश 75 से 85, जम्मू एंड कश्मीर 75 से 85, झारखंड 81 से 86, कर्नाटका 70 से 75, केरल 73 से 76 और मध्य प्रदेश 75 से 85, नॉर्थ ईस्ट 56 से 75, उड़ीसा 81 से 85, पंजाब 95 से और 100%, इधर राजस्थान 80 से 85, तमिलनाडु 77 से 83, उत्तर प्रदेश 85 से 90, तेलंगाना 73 से 75 और वेस्ट बंगाल 76 से 81। ये आपको मैंने एक आइडिया दे दिया है संभावित कट ऑफ। 10वीं में अगर आपके इतने से इतने परसेंटेज है और आपने जीडीएस का फॉर्म डाला है तो आप कहीं ना कहीं चौथी लिस्ट का इंतजार कीजिएगा। दोस्तों फोर्थ लिस्ट जो आएगी वह 14 से और 16 नवंबर तक संभावित लग रहा है। दिवाली का त्यौहार है, इस वजह से 3-4 दिन की छुट्टी होने के कारण यह थोड़ा डिले हो गया है, वरना दिवाली से पहले ही जारी होता, अब ये दिवाली के बाद जारी होगा। 7,000+ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको जीडीएस के फर्स्ट डीबी में, वो सब जानकारी मैंने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस पर दे रखी है। सर्च कर लेना यूट्यूब पर जीडीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अभिषेक क्लासेस, आ जाएगी बहुत सारी वीडियो। जो यह मैंने कट ऑफ बताई है डिविजन्स वाई बताई है, ना कि सर्किल वाई। अब आप कहोगे सर आपने तो सर्किल वाई बताया है कि आंध्र प्रदेश से 85 से 90% जाएगा और सर हमारी है 95%, और फिर भी हमारा चौथी लिस्ट में नाम नहीं आएगा। आपकी तो झूठी कट ऑफ है, आप तो बच्चों को गुमराह कर रहे हो। आपने किस प्रकार ये कट ऑफ बताया है? मैंने अभी आपसे बोला ये जो कट ऑफ बताई है मैंने सर्किल को लेकर डिविजन्स वाई बताई है, ना कि पूरी ऑल ओवर सर्किल। अब जैसे आपने फॉर्म डाला है बिहार से, ठीक है, अब बिहार में बहुत सारे डिविजन्स आते हैं,
आपने भी फॉर्म डाला होगा तब पता होगा कि बिहार में कौन कौन से डिवीजन आते हैं। अब किसी किसी डिवीजन्स में तो बहुत कम कट ऑफ जाएगा और किसी किसी डिवीजन्स में बहुत हाई कट ऑफ जाएगा। उसी प्रकार सर्किल वाइज बहुत सारे डिवीजन्स वाइज कट ऑफ आपका निकलता है। ये जो कट ऑफ मैंने बताया उस डिवीजन्स को उठाया है सर्किल वाइज। पिछला इतिहास मैंने देखा है जीडीएस की अब तक मेरिट लिस्ट आई उसमें कि किस डिवीजन से सबसे कम कट ऑफ गया और वही मैंने आपको बताया। ठीक है, अब ये तो बताना इम्पॉसिबल है कि डिवीजन्स वाइज आपको कट ऑफ बताओ, उसके लिए तो बहुत एक दो घंटे की वीडियो हो जाएगी। कभी ऑनलाइन आऊंगा तब आपको ये जानकारी मैं दे दूंगा। इसलिए चौथी लिस्ट आए तब घबराना मत, क्योंकि इसकी बहुत सारी मेरिट लिस्ट अभी आना बाकी है। चौथी में नहीं आए तो पांचवी छठी में आएगा, किसी न किसी लिस्ट में आएगा। बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ। झूठी अफवाहें और झूठी खबरों से सावधान रहे। सोशल मीडिया पर फेक जानकारी दी जा रही थी। आप जो बार बार अपनी परसेंटेज बता रहे थे उसी परसेंटेज को देखते हुए मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।